योगी सरकार प्रदेश का चौमुखी विकास करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। चुनावी वादे में मुख्यमंत्री योगी का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को प्रदेश में बेहतर माहौल के साथ ही मंच उपलब्ध कराने का वादा अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। इसी कड़ी में रविवार को प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली फिल्म का दीप प्रज्वलन कर ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार चौमुखी विकास कर रही है। प्रदेश में उद्योग के सकारात्मक माहौल होने के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहां आकर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म रायबरेली के ट्रेलर लॉन्चिंग के अवसर पर उन्होंने फिल्म से जुड़े कलाकारों को बधाई दी। वहीं फिल्म में अभिनय करने वाले गौरव सिंह ने बताया कि रायबरेली फिल्म छोटे जिलों पर आधारित बेहतर फिल्म है, जिसमें इनके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। यह फिल्म रायबरेली के लिए सम्मान देने वाली होगी और इसके माध्यम से रायबरेली के युवाओं में और कम से कम प्रोत्साहन होगा कि वो और ये भी इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और रायबरेली का नाम बढ़ा सकते हैं। युवाओं के आकर्षण का विषय तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। युवा इससे और जुड़ेंगे। ये फिल्म अगर बन रही है तो इसके बाद और फिल्में भी रायबरेली से बनेंगी। इस आशा के साथ में इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।